हो सकता है। अब आता है भरण पोषण पाने के लिए आवश्यकताएं।
वाले, तो सर्वप्रथम है इसमें, पहले इसमें दिया गया है पत्नी वाइफ। अब कौन कौन सी पत्नियां हैं, अब कौन सी स्थिति है जिसमें पत्नी अपने हस्बैंड से भरण पोषण मांग सकती है, जिसमें मुस्लिम विधि के अनुसार निर्वाह विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स दे दिया, तो वो भरण पोषण पाने की अधिकारी
इधर नहीं होगी, तो इस वजह से वो इधर कार्यकाल अवधि में वरण पोषण पाने के अधिकारी नहीं। थर्ड है, जब पत्नी बालिक हो या तथा उसका पति नाबालिग हो तब वह समागम करने में असमर्थ है। यानी कि अगर जो पत्नी तो बालिक है वो तो मेजर है और जो पति है वो माइनर है, तब वो अधिकारी समागम करने में असमर्थ है, तो तब अधिकारी नहीं होगी। अब यह है कि निवास भत्ता जो है इसकी समाप्ति कैसे होती है। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से लेगी, इनसे भरण पोषण अपना लेगी। अब यह है कि भरण पोषण कौन सी ऐसी स्थितियां है जिसमें भरण पोषण खत्म किया जा सकता है, तो सेकंड इसमें है निम्नलिखित अवस्थाएं में ऐसी है, ऐसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें पत्नी निवास भत्ता पाने के अधिकार जो है समाप्त हो जाता है। स्पष्ट है जब वह अपने पति के साथ बिना किसी उचित कारण के सहवास करने से मना करती है, यानी वो अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाने के लिए मना कर देती है। सेकंड है जब वह पति के उचित आदेशों का पालन ना करे, अगर जब हस्बैंड ने किसी तरीके कोई आदेश दिया है, कोई बात कही है और वो उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। और थर्ड है जब वह पति के साथ बिना उचित कारण के रहने से इनकार कर देता है, यानी कि अगर कोई ऐसा अधिकार साथ रहने के कोई भी उपयुक्त कारण नहीं है, फिर भी अगर जो पत्नी मना कर देती है तब तो तब है इसमें फोर्थ है इसमें कि जब वह किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाए, उसका अफेयर किसी और से या उस पुरुष से निकल जाए, जब उसको कारावास हो जाए, पत्नी को अगर जो कारावास हो जाए तब तो, जब पत्नी नाबालिग हो जिसके कारण विवाह समागम ना हो, अगर जब पत्नी नाबालिग थी और उनके बीच में किसी तरीके का रिलेशन नहीं हुआ तब तो, जब वह पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर पति को छोड़ने के अनुबंध है, यानी कि अगर जो दूसरा विवाह कर लेती है तो तब ये सब जो है उसमें पत्नी इस तरीके के जो मेंटेनेंस है उसको पालने के अधिकार भी नहीं होगी। अब यहाँ तो हमने जो इसमें जो हमने पढ़ा विवाह भत्ता के बारे में, केसों के फेस के बारे में, विवाह भत्ता क्या होता है, किस तरीके